उसका मुंह बना हुआ था कि मम्मी अब पुत्र ने भी यहाँ पर एक गलती करी है जो कि अपने परमिशन ली है बच्चे को दिखाकर पैसा कमाने की, लेकिन तुम अपने बच्चे को अपना बच्चा कहने से क्यों डरती हो। सबर है जाने जिगर तुम चली कहाँ, कहीं नहीं जा रही हूँ जी। स्वागत करने आ गई हूँ आप लोगों का डिंपल व्लॉग्स पर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए अंदाज में आप लोगों के सामने। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी सब लोगों को जय माता दी, नवरात्रे चल रहे हैं, कुछ बहनों के उपवास भी होंगे है ना, और मैं अपनी यहाँ पर मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ जो कि कल है, एडवांस में ही आप लोगों को ईद मुबारक। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक कुछ स्पेशल पॉजिटिविटी से भरा हुआ, लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों को ये भी नेगेटिव ही लगेगा। चलिए हटाइए नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी को इन करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, कल जो है मेरा एपिसोड नहीं आया, लेकिन किसी ने आकर मुझे कमेंट करना जरूरी समझा ये बताते हुए कि आपका व्रत है फिर भी आप चुगलियाँ कैसे कर सकते हो। तो मैंने कहा बहन मैं तो वीडियो ही लेकर नहीं आई, पता नहीं क्यों तुम आ गई है ना, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि वीडियो कब बना था। चलिए ये बात नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मैंने कल जो है पुतन का एपिसोड देखा, चंपा का भी एपिसोड देखा। पुतन का एपिसोड पॉजिटिविटी से भरपूर था, जिसमें उसने पूजा करी, अपने घर का काम किया और अपने जो है बाल बच्चों के बारे में बताते हुए कि वो स्कूल गया हुआ है बच्चा, कैसे वो घर समेट रही है, कर रही है, बिल्कुल एक आम कहते ना एक औरत जैसे वो घर संभालती हुई नजर आई। चलिए अच्छी बात थी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो अपना एपिसोड लेकर आई थी, लेकिन सडन ऐसा क्या हुआ कि शाम को, मतलब शाम नहीं आधी रात को 11 बजे के बाद एक इतना नेगेटिविटी से भरा हुआ एपिसोड लेकर वो सबके सामने आई। ज्ञान की देवी जो है वो कर्मा के बारे में बताती हुई नजर आई। मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्र इतनी जल्दी मूड स्विंग है ना, अब क्या ही बताऊँ। यहाँ पर पुत्र की भी गलती नहीं है, नंबर 4 है, अंक 4 है वो, 2, 4 और 8 ये वो लोग होते हैं ना वो जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल तो लेकर आते ही हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद 2 नंबर की हूँ, मैं बताना चाहती हूँ इतना स्ट्रगल वाली लाइफ इनकी होती है ना, अपनी ज़िंदगी में कितना भी अच्छा कर लो, दूसरों के लिए अच्छा कर लो, लेकिन उनको यही लगता है सामने वाले को कि नहीं भाई ये बने ही नहीं हमारे लिए है ना, ये अच्छा ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं हमारे दुश्मन है। और वही चीज़ जो है पुतन के साथ भी है, पुतन को ये समझ में नहीं आती भैया इसके अच्छे के लिए ही बात हो रही है, लेकिन पुतन कहती नहीं तो यहाँ तो सभी दुश्मन है। पुतन अगर आपने इतना पॉजिटिविटी वाला एपिसोड दिया है ना, और पहले भी तुम्हारे इतने मतलब पॉजिटिव ही एपिसोड होते थे जब हम तुम्हारे साथ जुड़े है ना, मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिर तुमने इतनी कर्मा की बात क्यों कर, इतना ज्ञान की देवी क्यों बन गई। जब तुमने रिप्लाई ही दे दिया फिर तुम में और सामने वाले में क्या फ़र्क रह गया। ज्ञान देना है, थोड़ा सा ज्ञान के बारे में अच्छे से जानकारी लो, और पुतन तुम नॉलेज अपनी जो है ना इधर उधर से इकट्ठी करने की बजाय मैं कहती हूँ कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लो, ठीक है, और कुछ क्लासेस ज्वाइन करने से तुम्हारी पॉजिटिविटी और सामने आएगी, यही बताना चाहती हूँ। अब आप लोग कहोगे कि डिंपल दी आप पुतन के फेवर में क्यों बात कर रही हो, देखिए किसी एक का फेवर लेना गलत बात है ना, जो इंसान गलत करेगा तो हम लोग वैसे तो कुछ कोई नहीं होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अपनी ओपिनियन देनी चाहिए है ना। तो चलिए हम अपनी ओपिनियन देते हैं और ये बताते हैं कि ये चीज़ें गलत थी। एक तरफ आप अच्छा बता रहे हो, अच्छा कर रहे हो, दूसरों का भला चाह रहे हो, दूसरी तरफ सडन आप चेंज होते हो और कर्मा के बारे में बात करते हुए नजर आते हो और ये भी बोलते हो कि सोशल मीडिया सबके घर खराब करता है। आपको अब पता लगा, लास्ट 2-3 ईयर से हम लोग ये चीज़ जो है बोलते हुए नजर आते हैं कि अपनी बातें सोशल मीडिया पर मत रखिए। आपने अभी तक अपनी सारी लाइफ जो है पुतन की खुली किताब है सोशल मीडिया पर ही है, तो वो कर्मा की बात करते, आप दूसरों के मुंह में शब्द दे रहे हो, आप दूसरों को खुद बोलने का मौका दे रहे हो, वो कर्मा की बात कर रहे हैं। तो ये जो जी ज्ञान की देवी पुतन है, इनको खुद ही ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, कहीं ना कहीं पुतन जो है इस समय इमोशनल भी हो गई थी है ना मम्मी को याद करके। वाक्य में अभी जो मम्मी जी ने इतना स्ट्रगल टाइम देखा है अपनी ज़िंदगी से, कहते ना
थोड़ा सा अब उनको सुकून मिला था, लेकिन वो सुकून शायद उनकी लाइफ में बड़की जिजी ने देने की कोशिश की है, लेकिन ऊपरी ऊपरी लगता है कि आपने उनको सुकून दिया, वो एंजॉय कर रही हैं, वो घूम फिर रही हैं, लेकिन सडन वो भी रोने लग जाती हैं। जाने की मदर इंडिया क्यों रोने लग जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी एक बेटे का घर बसाना बाकी है, है ना। तो फिर उस सब चीज़ों को लेकर आप भड़की जिजी को बोल सकती थी कि अभी तुम कुछ दिन रुको, तुम ठहरो, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता पीछे से क्या फैसला होने वाला है और जो पुतन के साथ मुझे आना जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर तो जी भड़की जिजी ने पुतन का भी माइंड जो है ना, वो कहते हैं ना थोड़ा डिप्लोमेटिक वो गेम खेली है, तो जी उसका माइंड जो है वो भी वो उसने सबको पता ही है, पुतन का फेसिस बना हुआ सबने देखा है कि चप्पा जो रोटी परोस रही थी अपनी मम इन लॉ को बड़े प्यार से, वो खाना वो खीर खीर के लिए कह रही थी, खा लिया ना, उस समय पुतन की ओर मैंने देखा था कि उसका मुंह बना हुआ था कि मम्मी क्यों जा रही है। बिल्कुल सही बात है, मम्मी ने उसको उस समय छोड़ के चली गई है नाराज होकर पुतन से। जहाँ फिर चंपा कली से है नाराजगी मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत ऐसे, है ना। तो अब यही बात है, जो भी वजह रही हो लेकिन वो गई तो है। पुतन जो है थोड़ी सी भी आवाज़ आती थी, सुई बराबर भी कहीं दर्द हो जाता था मम्मी को या कुछ भी हो जाता था, वो वीकेंड का वार खेलने आ जाती थी। यही बात है, यही फर्क है, ठीक है। अब तो यही है कि पुतन ने कहा मैं स्ट्रांग हूँ, पुतन ने कहा चाहे अब कोई पहाड़ टूट पड़े, मुझे तो यही समझ में नहीं आती तुम पहाड़ टूटने का वेट क्यों करती हो, पहाड़ तो पहले से इतने टूट रखे हैं, भगवान से ये क्यों नहीं कहते परमात्मा जो पीछे लाइफ में मेरे पास में हो गया आगे जिंदगी में वो कोई दुख मत दिखाना, भगवान दुश्मन को भी ऐसा कोई दुख ना दिखाए, यही कहना चाहते हो। लेकिन पुतन जो है ना वो बड़बोली है, बड़बोलेपन में ही वो कुछ कुछ ऐसी बातें कर जाती है, वो एक फेक सा एपिसोड बनाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो ज़्यादा देर फेकनेस रहती नहीं है, वो एक्चुअली में जो चेहरा होता है ना वो सामने आ ही जाता है, ऐसा ही चेहरा फिर सेकंड एपिसोड में आ ही गया। तो वही बात है, मेरे को तो यही लगा, है ना। लेकिन नॉट वरी, पुतन अपने बच्चे के लिए जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है, ये मैं कहना चाहती हूँ, वो अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करेगी। आज भी मुझे कमेंट आया कि अपने अपना ही ये लोग जो है सोच रहे हैं, लेकिन बच्चे के बारे में किसी ने नहीं सोचा, बच्चे के बारे में पुतन ने तो सोचा, पुत्र उसकी परवरिश कर रही है, पुतन ही उसका खर्चा पानी उठा रही है, पुतन ही उसके लिए सब कर रही है। देखिए यहाँ पर जो सही है उसको सही कहा जाएगा, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, ठीक है। एक पिता भी तो है ना, वो इंतज़ार में है, पिता इंतज़ार में है कि कब उसको जज साहिब कहें कि तुम्हें अपने बच्चे को ये खर्चा देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो सारा कुछ अंडर प्रोसेस है। जब आप लीगली जाते हो तो आपको लीगली वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। उसके लिए तो ये नहीं है कि अब पिता जो है हर महीने कुछ ना कुछ बच्चे के लिए भेजे करे, हो सकता है वो पर्सनली बैंक अकाउंट में कुछ अलग से रखता हो, सेव करता हो, उसने भी सोचा होगा, क्योंकि नन्नू के लिए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने जो अभी तक उसको देखा और समझा है मैंने अभी तक यही कि वो अपनी फैमिली के लिए जो है ना सबसे पहले कहते हैं ना भी उसकी फैमिली है फिर बाकी बाद में है, यही चीज़ें मुझे जो अभी तक समझ में आई हैं। तो वो बिल्कुल भी अपने बच्चे को तो अपने से बिल्कुल भी दूर तो है बच्चा, लेकिन उसके फ्यूचर को लेकर तो वो भी सोचता ही होगा, ये हमें लगता है। लेकिन सोशल मीडिया पर वो सारी चीज़ें नहीं बताना दिखाना चाहते या चाहता, वो अलग चीज़ है। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं। तो जी हमारी जो है झूठी, तो जी झूठी जो है वो लेकर निकल पड़ी हैं मम्मियों को एंजॉय करवाने के लिए। अब मम्मियाँ कहाँ जा रही हैं, उस ट्रिप को प्लान किया गया मम्मियों के आने के बाद, चलिए दक्षिणेश्वर माता जी के वहाँ माथा टेकने जा रही हैं, है ना। तो माता रानी कृपा करे इनके साथ, सबके ऊपर कृपा करे माता रानी, प्लीज़ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब परिवार में अपने अपने खुशहाल रहे। मुझे लगता है ये वहीं पर गए हैं, जाएंगे या फिर चले गए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये झूठी क्या जो भी करेंगे सही करेंगे, देखिए ये तो इसके कर्म है ना, ये सही करवा रही हैं, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना, उनको घुमाना फिराना, उनका मन प्रफुल्लित, क्या कहते हैं हिंदी में, मैं इंग्लिश अपना पंजाबी में बोल देती हूँ, मतलब खुश कर देना, चलिए
ठीक है, कहीं ना कहीं तो इसको दुआएं लग रही है ना। लेकिन मैं झूठी से ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे एक चीज ये बताओ कि जब मदर इंडिया ने बोला कि ये चीजें जो बातें हैं, जब तक कि आप मतलब कि रवाना ना हो जाओ, वो अपनी बातें शेयर नहीं करनी सोशल मीडिया पर, आपको बड़ी जल्दी याद आ गया, आपको उस समय याद नहीं आया जबकि पुतन के मदर इन लॉ ने बोला था कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना किसी को, है ना। तो पुतन ने नहीं बताया वो चीज़ के लिए, उसने समझा क्योंकि उसको भी पता था कि ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हैं उनके घर में। अब पुतन ने भी यहाँ पर एक गलती करी है जो कि अपने ही सोशल मीडिया पर बोली है उसने अपने एपिसोड में, उस पर भी मैं बात करूँगी, है ना, अभी कर लेती हूँ साथ ही साथ में, है ना। अच्छा जी, तो झूठी को अब ज्ञान का जो है ना वो आनंद आ गया, वो कहती है ज्ञान में मतलब सही ज्ञान दे दिया माता जी ने, दो दो प्रेगनेंसी में ज्ञान नहीं दिया माता जी ने। अच्छा, मोटू बिटिया के समय ज्ञान नहीं दिया, जब भैया उसकी जॉब वॉब लग रही थी, कहाँ जा रहे हैं, उस समय भी तो तुम्हें सब ड्रामा क्रिएट करना था, है ना, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन फाइनली इस ट्रिप को छुपा लिया, क्यों, ऐसा क्या बात है। अब तो हम लोग भी हैरान हैं, भी मतलब नहीं हैरान नहीं है, एक्साइटेड है कि तुम कहाँ जा रही हो वो सब चीज़ें देखने के लिए। चलिए जरूर से देखेंगे, एंजॉय करेंगे तुम्हारे ट्रिप के अच्छे अच्छे एपिसोड। ये थी झूठी के ऊपर बात। बात कर लेती हूँ पुतन पर फिर से। पुतन ने बात करी है कि प्रेगनेंसी में उसको जी मेड की जरूरत थी, हेल्पर की जरूरत थी, तो हेल्पर के रूप में इसके पास एक पति थे और एक मदर इन लॉ थी, पूरी सेवा करिए बहुत अच्छे से 9th मंथ तक उन्होंने केयर करी है, लेकिन पुतन ने कभी भी प्रेगनेंसी में जरूरत नहीं समझी है हेल्पर की। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी वाक्य में ही पुतन को नीड थी एक हेल्पर की, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है शरीर से औरत कमज़ोर होती है, वो नहीं सारी रात जाकर और दिन में भी सारी रात भी बच्चे को संभाले दिन में भी संभाले वो नहीं कर पाती। यहाँ पर पुतन सही है, आप बताइए यहाँ पर कौन कौन एग्री करेगा कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। आप लोगों ने जो डिसएग्री करेंगे ना, मैं सिर्फ इतना पूछूंगी उनसे कि आप रात में भी बच्चे को संभालते थे अपने आप से, वो स्ट्रगल करते थे, और दिन में भी प्लीज़ बताना जरूर, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं करती हूँ, आउट ऑफ कंट्री में कोई ऑप्शन नहीं होती है, लेकिन जिनके पास जो सरमाएदार होते हैं वो भी अपने रिश्तेदारी में किसी ना किसी ममिन लोग को या सिसिन लोग को किसी को बुला ही लेते हैं, है ना, या फिर खुद से ही वो हैंडल करते हैं। हमारे भी नॉन में कितने ही लोग जो है बाहर गए हैं, वहाँ जाकर उन्होंने खुद ही अपनी केयर की है, लेकिन बाहर की आबो हवा में, बाहर की फैसिलिटीज़ में और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो बाहर वाले लोगों के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन वाक्य में ही नीड थी पुतन को, यहाँ पर नीड थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया पर ही वो एपिसोड शायद आज भी होगा जिसमें नन्नू ने कहा था काम कितना है, ऐसे करके काम कितना है, दो तो बंदे हैं, जब मुझे लगा था थोड़ा अजीब है, नहीं यार एक नीड है, एक हेल्पर चाहिए, हेल्पर सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें ये होता है कि थोड़ा ये कर दो बच्चे का, थोड़ा वो कर दो। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मैंने खुद रखी हुई थी, अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरा बच्चा 2.5 साल का था, 4 साल का भी हो गया था, तो भी मैंने एक लड़का रखा हुआ था जो उसको पार्क वगैरह लेके जाता था खिलाने के लिए, ठीक है, तो मैं उस चीज़ के लिए क्या ही बोलूँ, है ना। तो भैया ये तो हस्बैंड के ऊपर होता है कि उसको अपनी बीवी और बच्चों को कितना खुश रखना है, है ना। मैं नहीं जा पाती थी, अकेले नहीं जा पाती थी, मैं आज भी नहीं जाती हूँ, मैं अकेले नहीं जाती हूँ, बहुत कम है, बहुत रेयर है कि मैं अकेले कहीं जाऊँ। सो उसमें ये तो नहीं है कि हम मतलब, अब पुतन जो है वो वर्किंग थी, उसको भैया कहने की बात है कि आप तो एपिसोड ही बनाते हो, घर घर के काम कर लेते हो अपने और दिखा देते हो व्लॉगिंग में, है ना, लेकिन ये भी बहुत बड़ा काम होता है, जो काम आधे घंटे में ख़त्म होता है ना, रोटी पानी का सब्जी का, उसमें आपको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है, फिर उसके बाद आपको एडिटिंग भी करनी है, उसमें फिर आपको छोटा ननमुन बच्चा भी देखना है, फिर उसमें रत जगह भी है बच्चे के साथ, भैया बहुत काम होते हैं, सच्ची में बताना चाहती हूँ। अभी तो पुतन और पुतन का बच्चा ही है, इसलिए पुतन उसको अच्छे से हैंडल कर रही है, फिर भी वो अकेली है, नहीं सॉरी, फिर भी वो अकेली नहीं है, उसके साथ दो लोग और हैं जो कि उसको कहीं आना है जाना है, उसको जो है वहाँ पर सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन कुछ लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल जो है अकेली रह रही हैं अपने बच्चों के साथ, ऐसी एक जॉब करती लड़की हैं, लेकिन वो जहाँ व्लॉगिंग नहीं करती है, सोशल मीडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, हमारे ही नियर डियर है किसी में,
वो अकेली ही सब कुछ हैंडल कर रही है, क्योंकि उसका मैटर अलग है कि उसके हस्बैंड जो है ना वो उसके लिए स्टैंड ही नहीं ले पाते कभी। अब भैया इसमें क्या ही बोले, क्या ही बोले, जब पति को नहीं लगता कि उसका परिवार है ना, तो भैया फिर अगर मम्मा वो आए जहाँ फिर यही कह दे कि ये नहीं कहते हम लोग कि आपको पेरेंट्स की केयर नहीं करनी, सबसे पहले वो ही आपके लिए, लेकिन ये जो परिवार आपने बनाया तो ये अपने माँ बाप की सहमति से तो बनाया है ना, तो इस परिवार को लेकर आपको साथ ही चलना है ना, दोनों की ही रिस्पेक्ट हो। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कुछ लड़कों के साथ दिक्कत ये होती है कि भैया वो जो है मैनेज करके नहीं चल पाते हैं, लेकिन ननू के केस में ऐसा नहीं है, वो मैनेज तो कर सकता है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा होती है, नीड जहाँ होती है, वहीं पर वो बचत की सोच है, यहाँ पर ये थोड़ा चक्कर है। यहाँ पर हम दोनों को ही समझाएंगे कि तो सोशल मीडिया पर बात नहीं रखनी थी, अब रखी हुई है, बात चली जा रही है, अब जो है अंडर प्रोसेस है, सब कुछ लीगल हो रहा है, तो इन लोगों का क्या ही फैसला होता है क्या है, अब वो भी जनता जानना चाहेगी ना, है ना। सो वो सब कुछ अभी जब तक नहीं सॉर्ट आउट होता वो सब लोग बने ही रहेंगे। सो अपने आप को पॉजिटिव रखो, जिंदगी में आगे बढ़ो, चाहे वो नन्नू फैमिली है और चाहे वो पुत्तन फैमिली है, जिंदगी में आगे बढ़े, है ना। लेकिन वही बात आती है, कल फिर मैंने नन्नू का एपिसोड भी देखा, अब मैंने उसमें ये देखा कि नन्नू ने बात उठाई है कि बच्चे को दिखाकर जो है पैसा कमाने की। मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आपने परमिशन ली है बच्चे को दिखाकर पैसा कमाने की, तो आप उनको भी दे दो ना परमिशन, ये क्या बात हुई। पहले हम लोग ये चीज़ कहते थे कि वो बच्चे को दिखा के ऐसे अन कर रहे हैं, कि बच्चा इतना छोटा है कि टेलीफोन की वो लाइट की इतनी रेंज होती है, वो गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए, है ना, बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए, ये सब चीज़ें इसलिए थी कि आपका जो है ना रिश्ता बना रहे, बचा रहे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वो फैमिली तो वो समझी नहीं। लेकिन आप क्यों नहीं समझ पाते इस बात को, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, परिवार एक है, परिवार में सब लोग आते हैं जाते हैं, नज़र भी आएंगे, दिखाए भी जाएंगे, है ना। तो ऐसा तो पुत्तन को भी मैं कहना चाहती हूँ, तुम एक माँ हो, ठीक है, तुम्हारे साथ ये जो तुम्हारे सिबलिंग है वो नहीं दिखा सकते तो मत दिखाएं, नहीं बना सकते वो कंटेंट मत बताएं दिखाएं, लेकिन तुम अपने बच्चे को अपना बच्चा कहने से क्यों डरती हो। अब आप लोगों को लगेगा कि ये सारा का सारा एपिसोड ही जो है मैंने पुत्तन के फेवर में बना दिया, लेकिन मैंने सिर्फ किसी के फेवर में बात नहीं की है, जो सही है उसके लिए मैंने बात करी है यहाँ पर, कि पुत्तन चुप कर जाती कि हम तो दो हैं, मैंने उसके लिए ये किया, मैं उसको स्कूल छोड़ आई, क्यों बच्चा क्यों नहीं कह सकती, पैदा तुमने किया, 9 मंथ तुमने पेट में रखा, पाल तुम रही हो उसको, तुम उसको अपने बच्चे को उसके नाम से क्यों नहीं बुला सकती हो। अगर मेरी तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी सजेशन होगी, अगर हो सके तो बच्चे का नाम भी चेंज करना चाहिए, ये मैं अपने एपिसोड के जरिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ, ठीक है। बच्चे का नाम कुछ और रखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज जो आपने नाम बच्चे का रखा है ना उसके बारे में आप सर्च कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे गौतम बुद्ध थे जो, अब क्या ही मैं बोलूँ, है ना। नाम के साथ आप की हैबिट भी वो हो जाती है, क्वालिटीज़ भी बच्चे में वो ही आती है, सो आप नाम चेंज करें वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी तो भैया आपके ऊपर है, कहना समझाना हमारा फ़र्ज है, हम लोगों ने बता दिया, क्योंकि हमारी भी तीसरी पीढ़ी है, मैं तीसरी पीढ़ी कही जाऊँगी, है ना, बेशक मेरी शादी होकर आगे गई, लेकिन हमारी चौथी पीढ़ी भी काम कर रही है, तो मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि मैं इंस्टा पर आप लोगों को वो नॉलेज दूँ, वो एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ में हुए हैं अब तक, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो हमारी आज की जनरेशन है, जो कि इवन मेरे भी बच्चे हैं, उन लोगों के लिए, हम लोग सारी उम्र नहीं बैठे रहेंगे बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस आने वाले समय में, देखिए सुख दुख है, धूप है, छाँव है, सब है ना, लेकिन उनके काम जरूर से आएंगे। बच्चे शौक शौक में बहुत कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन जब गलतियों का एहसास होता है ना तो वापसी मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो यही वो बात है कि रिश्ता जहाँ पर नहीं निभ पाया तो ठीक है, मूव ऑन करना ही वहाँ से अच्छा है, लेकिन यही है कि आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन एक दूसरे को अब ब्लेम करना बिल्कुल ही बंद कर दो, यही मैं कहना चाहती हूँ। पॉजिटिविटी के साथ आप अपने अपने व्यूअर्स को जो है अच्छे से इंटरटेन करो, आपके व्यूअर्स आपको क्यों देखना पसंद करें वो सारी चीज़ें करो, किस वजह से व्यूअर्स आपके साथ जुड़े थे
वही कंटेंट लेकर सबके सामने आओ। लेकिन पुतन के पास तो बहुत अच्छा कंटेंट है। एक मदर जो है वो अपने बच्चे को कैसे पाल रही है, कैसे बड़ा कर रही है, उसके लिए कैसे कैसे वो चीजें कर रही है ना, क्या हेल्दी उसको डाइट दे रही है, वो सारी चीज़ें। अब पुतन को मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी एक बताना चाहती हूँ कि पुतन यहाँ पर बिल्कुल भी बच्चे के साथ तो वो चीज़ें मत करना कि बिल्कुल ही ऑयल लेस, घी लेस, ये सब चीज़ें। बच्चे को न्यूट्रिशंस चाहिए, ठीक है, उसको फैट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उसको खूब खिलाना अच्छे से, क्योंकि जो किसी की बेसिक वो बन जाएगा ना, वो ही बड़ा होके मतलब वो आएगा। अब ये बातें समझो। तो बाकी रही बात की अगर वो बच्चा ननू के पास होता तो नो डाउट वो मेंटली बहुत शार्प होता, अभी भी होगा, ठीक है। तो और क्या ही बोलूँ, उसकी पर्सनैलिटी अलग से निखर के आती, क्योंकि माँ बाप दोनों मिलके जब पालते हैं ना तो वो चीज़ें अलग होती हैं। सिंगल होके वो करना सब चीज़ें तो चलिए ठीक है, अपना अपना है, अब क्या ही बोले। तो आज का मेरा एपिसोड यहीं तक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। मुझे अपनी YT फैमिली से बातें करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।